दोस्तों जय हो करम की, मैं केपी आपका दोस्त और आपका होस्ट केपी सिंह सवाई माधोपुर से। दोस्तों अभी मैं केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में हूं और यहां पर राष्ट्रीय एकता पर्व 2024-25 का आयोजन हो रहा है, उसी को लेकर हम लोग यहां आए हुए हैं। तो आप लोगों को मैं यहां की कुछ झलकियां दिखाऊंगा, तो आप मेरे साथ में यूं ही बने रहे मेरे ब्लॉग में। शिवानी मीना है, मैं केंद्रीय विद्यालय धौलपुर राजस्थान की 11वीं कक्षा की छात्रा हूं। हम लोग केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत ग्रुप सॉन्ग लेकर प्रस्तुत हुए थे, जो हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा हुआ और हम लोगों ने वहां पर फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करी। और हम लोगों के अंदर आशा है और बहुत ज्यादा खुश हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट पोजीशन ग्रैब करी है। और अब हम लोग उदयपुर जाएंगे रीजनल लेवल पर अपने सॉन्ग को प्रस्तुत करने, और हम लोग चाहते हैं कि वहां पर भी हम फर्स्ट पोजीशन लाएं और अपने स्कूल और केंद्र विद्यालय का नाम रोशन करें। मेरा नाम मीसी सोदिया है, मैं केवीएस अलवर का 10वीं बैच का छात्र हूं। मैं केवीएस सवाई माधोपुर आया हूं क्योंकि यहां पर आयोजन हो रहा है राष्ट्रीय एकता पर्व का। राष्ट्रीय एकता पर्व के अंतर्गत आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत मैं आसाम पर बनाई गई कलाकृतियों को प्रस्तुत करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर हमारी फर्स्ट पोजीशन आई है, यहाँ का स्टाफ भी बहुत सपोर्टिंग रहा और हम अब आगे करौली क्लस्टर को प्रेजेंट करने के लिए केवीएस उदयपुर जा रहे हैं। हम उत्साह से भरे हुए हैं और उम्मीद है कि हमारी वहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन। पार्थार्थी, मैं केंद्रीय विद्यालय अलवर में 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं यहाँ पे केवी सवाई माधोपुर में आयोजित एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत आसाम के पर बनाई गई कलाकृतियों का प्रस्तुत करने आया हूँ। हमने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन प्राप्त किया है। अभी हम केवी उदयपुर में रीजनल लेवल को दर्शाने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि हम वहाँ पर भी फर्स्ट पोजीशन प्राप्त करेंगे। हम सब उत्साह से भरे हुए हैं, हमें आशा है कि हम नेशनल के लिए भी सिलेक्ट होंगे। मैं राजेश्वर सिंह, प्राचार्य पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर। केंद्रीय विद्यालय संगठन जयपुर संभाग ने हमारे विद्यालय को संकुल स्तरीय राष्ट्रीय एकता पर्व आयोजित करने की जिम्मेदारी दी। इसका आयोजन इस विद्यालय में 30 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक किया गया, जिसका अभी अभी समापन समारोह आयोजित हुआ। इस राष्ट्रीय एकता पर्व के तहत दो प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, एक भारत श्रेष्ठ भारत तथा कला उत्सव, जिसमें 9 केंद्रीय विद्यालयों के प्रतिभागियों ने भाग लिया। इन दोनों उत्सवों के तहत विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया, जैसे ग्रुप डांस, ग्रुप सॉन्ग, ऑन स्पॉट पेंटिंग, दृश्य कला और सो मेनी। इन सभी में प्रतिभागियों का जो प्रदर्शन था वो अत्यंत ही सराहनीय है और बहुत ही उच्च कोटि का था। निर्णायकों के लिए भी ये समस्या थी कि किसको फर्स्ट दे, बट उन्होंने अपने कीन ऑब्जर्वेशन से और जो पैरामीटर दिए हुए उससे निर्णय लिया। और अब क्लस्टर लेवल का जो दल है वो रीजनल लेवल पर करौली संकुल का प्रतिनिधित्व करेगा, और हम आशा करते हैं कि उसमें भी करौली संकुल के जो प्रतिभागी है वो क्षेत्रीय स्तर पर विनर हो और नेशनल स्तर पर हमारे रीजन को रिप्रेजेंट करेंगे। इन तरह की गतिविधियों का पहला उद्देश्य यह है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत भारत में विभिन्न कला उत्सवों, धर्मों और क्षेत्रीयता जो है उनके बीच में एकता को सेलिब्रेट करना। इस उत्सव के तहत आसाम राज्य की जो ग्रुप नृत्य और ग्रुप सॉन्ग को आयोजित किया गया, बच्चे जो आसाम की सांस्कृतिक विरासत है, उनका जो ऐतिहासिक धरोहर है उस पर बेस्ड विषयों पर प्रदर्शन किया, अपना ग्रुप डांस किया और बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ उन्होंने प्रेजेंट किया है। मैं एक बार पुनः हमारे केंद्रीय विद्यालय संगठन का धन्यवाद देता हूं कि ऐसे आयोजन की जिम्मेवारी केंद्रीय विद्यालय सवाई माधोपुर को दिया, और इस आयोजनों के माध्यम से ये विद्यार्थी आने वाले दिनों में भविष्य के कलाकार बनेंगे। जैसे कि केंद्रीय विद्यालय में पढ़े हुए विद्यार्थी अभी वर्तमान में एक टेलीविजन एंकर है अर्णव गोस्वामी जी, जो विद्यार्थी जीवन में अपने केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थी जीवन के दौरान विभिन्न प्रकार की डिबेट कंपटीशन में भाग लेते थे। तृप्ति डिमरी जो दिल्ली के किसी केंद्रीय विद्यालय से अभी हाल ही में पढ़ी लिखी है और फिल्म इंडस्ट्री में अपना नाम कमा रही है, फिल्मों में आ रही है, अनुष्का शर्मा जी भी उन्हीं में से एक है। आने वाले दिनों में ये बच्चे भी अपनी प्रतिभा की रोशनी बिखेरे।
ऐसी शुभकामनाएं।